लेकिन माजरे से कहूंगा, हमारे बच्चे बोलना सीखते हैं तो क्या सीखते हैं? गालियां सीखते हैं। जब बच्चे ने पहली तोतली जुबान से गाली दी तो मां उस पर बहुत खुश हुई, उसकी हौसला अफजाई की। रात को जब अफरादे खाना जमा होते तो बकायदा उसको छेड़ा जाता है, बेटा वो जो गाली मुझे दी थी वो दादा को सुनाओ, अपने पापा को सुनाओ। और यार ये कुछ सुनाने वाली चीज है? ये तो हमें अपने रवैयों पे गौर करना चाहिए था कि इसकी जुबान पे गाली कैसी आई। घर के माहौल से गाली सीखी, तकाजा था कि घर से गाली निकालते, अपनी जिंदगी से निकालते, लेकिन हमने उस पे हंस लिया। अच्छा वही बच्चा जब बड़ा होके गाली देता है ना तो हम कहते हैं हमारी बहू ने इसको तावीज डाल दी है। यार उस बेचारी का क्या कसूर है? एक महीना हुआ है वो आपके घर में आई है, 25 साल आपके जेरे तरबियत रहा है, गाली का माहौल आपने फराहम किया है, तकाजा था गाली निकालते, हमने हौसला अफजाई की। नेपोलियन ने कहा अच्छी माए दो अच्छी कौम दूंगा। और बच्चे जवानों कोरा कागज होते हैं, जो भी तहरीर लिखोगे वो अनमिट है। हमने गाली लिखी तो उसने गाली बोली। आओ मैं आपको एक मां की कहानी सुनाता चलूं। उसने अपने बेटे को मदरसे में भेजा, उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अजबर था सयकूल सुफहाउ मिनन नास, अजबर था तिलकर रुसुल फद्दलन बादहुम अला बाद, अजबर था 14 पारे सुनाए। उस्ताद बड़े मुतासिर हुए, बेटे जहां से 14 पढ़े बकिया 16 भी उसी मदरसे से उसी उस्ताद से पढ़ लेते, तेरे हिजे अच्छे हैं मंजिल खूब है। तो बख्तियारे काकी रहमतुल्लाह अलैह अरस करते हैं, उस्ताद जी मैंने किसी मदरसे में किसी उस्ताद से जानुए तलम्मुस तय नहीं किए। तो फरमाए बेटे ये दौलत फिर पाई कहां से? तो उसने अर्ज की कि उस्ताद जी मेरी वालिदा 14 बारों की हाफिजा थी, मैंने मां से सुन सुन के हिफज कर लिए। और भाई मां कुरान पढ़े तो बेटा कारिये कुरान बनता है, मां दूध पिलाए सोने मोहम्मद पे दुरूद पड़े तो बेटा दश्ते नैनवा को मैदान करबला बना देता है। किरदार नस्ले सवारते हैं। क्लासरूम में उस्ताद बच्चों से सवाल करते हैं बच्चों बड़े होकर क्या बनोगे, तो एक बच्चा कहता है डॉक्टर, एक बोलता है इंजीनियर, और एक बच्चे से पूछा तू बड़ा होकर क्या बनेगा, तो उसने कहा मैं बड़ा होकर सहाबी रसूल बनूंगा। यहां आकर के उस्ताद रुक जाता है, कहा बेटे सहाबी वो होता है जिसने हुजूर का जमाना पाया, सर की आंखों से सोने मोहम्मद का दीदार किया हो, और तू 14 सदियों के फासले पे खड़ा है, तेरे दिल में ये शौक कैसे पैदा हुआ? तो उसने कहा उस्ताद जी मेरी वालिदा रोजाना सोने से पहले एक सहाबी रसूल का वाकया सुना के सोती है, तो मेरे दिल में शौक पैदा हुआ है कि मैं बड़ा होकर सहाबी बनूं। यहां रुक करके अर्ज करूंगा गोद में क्या मिला? गाने? हमारे बच्चों को सहाबा के नाम आते हैं, हमारे बच्चों को गाने आते हैं, हमारे बच्चों को फिल्मों की स्टोरियां आती हैं, हमें जो ना फिल्में बनाने वालों की जो ना वो किस्से कहानियां आते हैं, सहाबा की जो है वो मोहब्बत सीने में नहीं, सहाबा के नाम नहीं आते क्योंकि हमने सिखाया ही नहीं। किरदार से नस्लें संवरती है।